सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रॉप इन पर्थ। इसमें बस भी देखने वाला है यार एक इम्पॉसिबल अटैक। ओके, अलग आप लोग सोच नहीं पाओगे यार जो मैं अटैक दिखाने वाला हूँ उसकी कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक है। ओके, उसकी कॉम्बिनेशन मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। सो बेसिकली मैं यहाँ पर खुद से ट्रेनर के दिखाता हूँ आपको क्या कॉम्बिनेशन। यहाँ पर देख सकते हो, आप लोग सोच रहे हो इतनी बड़ी हीलर्स मैं की ले रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो इसकी हीलर्स की अमाउंट टोटल 15 है। और यहाँ पर हमने यहाँ पर टिल वॉल ब्रेकर लिए, वो भी सुपर वॉल ब्रेकर जो काफ़ी सुपर होने वाली है। यहाँ पर हमने अपनी क्लीन अप फंडलिंग के लिए यहाँ पर 4 आर्चर्स लिए और विजर्स एक लेते हैं। और यहाँ पर कुछ और कॉम्बिनेशन, यहाँ पर बेबी ड्रैगन लेते हैं एक, और हमारा मिनियंस कहाँ है भाई, मिनियंस को लेते हैं 4। ओके, उसके बाद यहाँ पर स्पेस बची हुई बेसिकली नहीं है। ओके, और 4 ये है हमारे पास, सब चीज़ हो चुकी है। और यहाँ पर हम कुछ और ट्रूप्स बेसिकली क्या ले, बोलो भाई क्या ले सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कुछ और नहीं लेने वाले। ओके, अब बेसिकली यहाँ पर हम अपने स्पेल्स ट्रेन करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो स्पेल्स की, हमने यहाँ पर 3 रेज लेने वाले हैं और फ्री 4 लेंगे और एक पॉइजन लेंगे। तो ये है हमारी इस ट्रूप की कॉम्बिनेशन जो काफ़ी सुपर होने वाली है। सो उससे पहले चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाजू वाला बेल आइकन लगाना, वीडियो पर लाइक ठोक देना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ इस अटैक के बारे में जो काफ़ी यूनिक और काफ़ी ट्रेंडिंग हो सकती है। मैंने इस अटैक को खुद से अप्लाई किया, खुद अप्लाई करके मुझे काफ़ी अच्छी रिजल्ट मिली। तो बेसिकली मैं यहाँ पर भूल गया था, यहाँ पर आपको लून भी लेना है। ओके, तो यहाँ पर हम 4 लून लेते हैं। तो ये रही हमारी इस ट्रूप की कॉम्बिनेशन। तो ये ट्रूप कॉम्बिनेशन ट्रेन हो चुकी है, यहाँ पर सकती हो। अब मैं यही ट्रूप इस्तेमाल कर रहा हूँ लेजेंड लीग में। तो आपको मैं एक अटैक दिखाता हूँ जिस एक बंदे ने जिसने की थी उसी के वजह से मैं ये अटैक कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस नंबर पर जो बंदे ने अटैक किया था, काफ़ी कूल है यार, उसकी IQ बोलू है यार काफ़ी कूल होने वाली। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो एक बंदे ने अटैक किया था, एक लड़की है बंदे या जो भी बोलो यार, लेडी इन रेड। तो इसकी कॉम्बिनेशन अगर, तो ये देखो यार इसकी अटैक की कॉम्बिनेशन, जैसे लिए मैंने आपको जो ट्रूप्स बताई थी बेसिकली वही ट्रूप से यहाँ पर इस्तेमाल की गई है, बेसिकली बिल्कुल सेम ट्रूप से। इसके ट्रूप्स में जो हीलर्स लिए बेसिकली 5 हीलर्स आपकी क्वीन के लिए, 5 आपकी वार्डन के लिए, 5 आपकी रॉयल चैंपियन के लिए। और जो वॉल ब्रेकर है सुपर वॉल ब्रेकर बेसिकली क्वीन के लिए, क्योंकि क्वीन के लिए कंपार्टमेंट ओपन करती है ये काफ़ी एक बूम करके। सो देखते हैं इस अटैक को अभी हम। सो गाइस यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या अटैक कहाँ से स्टार्ट होती है और आप काफ़ी सुपर हो लगने वाली है। तो यहाँ पर देखो इस बॉटम से यहाँ पर वार्डन की वॉक स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर 4 हिलर्स ड्रॉप किए, बेसिकली आप 5 ड्रॉप कर सकते हैं, उसमें मतलब नहीं है। और जो हमारे पास मिनियंस है या फिर आर्चर्स, उसको आप फनल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपकी वार्डन या क्वीन सेंटर में जाए। यहाँ पर देख सकते हो क्वीन भी स्टार्ट हो चुकी है, क्वीन चार्ज भी। तो यहाँ पर क्वीन के ऊपर भी 5 हिलर्स ली गई है और यहाँ पर वार्डन के ऊपर 5 ले सकते हो। और जो रॉयल चैंपियन है वो भी हमारी साइड से आने वाली है, लेफ्ट हैंड साइड से बेसिकली। तो यहाँ पर देखो बेबी ड्रैगन की ड्रॉप की गई फनलिंग के लिए, यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी कंपार्टमेंट ओपन हो रही है और हमारे पास CC है वो भी काम आने वाली है। तो यहाँ पर रेज इस्तेमाल हो चुकी है हमारी क्वीन के ऊपर, जो क्वीन आसानी से किंग को टेक डाउन कर चुकी है। वो हमारे जो टाउनल है वो भी ब्रेक होने वाली है काफ़ी जल्द। यहाँ पर देखो यार ईगल आर्टिलरी आप टारगेट कर रही है वार्डन को, तो वार्डन के कुछ होने वाला नहीं है कि वार्डन के ऊपर 5 हीलर्स है और इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पर देखो क्वीन काफ़ी अच्छी काम कर रही है। जो हमारा वॉल ब्रेकर, इसको देखो वो वॉल ब्रेकर, देखो भाई वॉल ब्रेकर के देख यार काफ़ी कूल लग रही है, पूरी कंपार्टमेंट ओपन कर देती है। ओके, उससे बॉम्ब से किसी से मतलब ही नहीं है। और वार्डन की एबिलिटी भी इस्तेमाल हो चुकी है यहाँ पर, और वार्डन पर हम यहाँ पर देख सकते हो रेज इस्तेमाल हुई गई है। और जो फ्रीज थी वो ईगल आर्टिलरी को फ्रीज किया गया था, बेसिकली आप फ्रीज कर सकते हो ईगल आर्टिलरी की या फिर सिंगल इन्फर्नो को। तो यहाँ पर देखो राइट साइड से किंग की ड्रॉप की गई और लेफ्ट हैंड साइड से हमारा रॉयल चैंपियन आ चुकी है। रॉयल चैंपियन वॉक बेसिकली यार काफ़ी कूल अटैक है। यहाँ पर देखो यार चारों साइड से आप इस बेस को टोटली तोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी काम कर रही है, विजर्ड्स या जो भी चीज़ें आप फनल और क्लीनअप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो हमारा ब्लिप है उसको भी इस्तेमाल की गई है ताकि वो स्कैटर शॉट को ले सके। तो यहाँ पर देखो यार वहाँ पर रेज इस्तेमाल की गई, फिर फ्रीज को ड्रॉप किया गया बेसिकली। ओके, यहाँ पर देखो नोटिस करो कि यहाँ पर कुछ डिप्लॉयमेंट नहीं है, बस आपकी स्पेल्स की डिप्लॉयमेंट, आपको स्पेल्स की डिप्लॉयमेंट भी नहीं है बेसिकली। आप अगर स्टार्टिंग अच्छे करते हो ना हीरोज़ को आपको जिंदा रखना है बेसिकली। उसके बाद देखो ट्रूप्स की अटैक बनती ही है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी अटैक जा रही है और वार्डन को या स्केलीज तो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं पर फिर भी मतलब नहीं। यहाँ पर देखो यार क्वीन की एबिलिटी बची हुई है, हमारी रॉयल चैंपियन जा चुकी है पर फिर भी क्वीन बची हुई है। तो ये देखो यार काफ़ी अटैक काफ़ी कूल थी। ओके, यहाँ पर हमारे पास 3 लून है, वो लून को लिया गया लास्ट में यार ताकि आप जो एक जो सिंगल डिफेंसेस बची रहती है उसको टेकआउट करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं राइट हैंड साइड में लून को, क्योंकि यहाँ पर एक एयर डिफेंस है जो सारे डिफेंसेज के रेंज में आती है। तो यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा टोटली खत्म हो चुका है, बॉटम भी, बस राइट हैंड साइड बची हुई है। यहाँ पर लून को ड्रॉप किया गया। ओके, बेसिकली ये हमारा मोटर्स को टेकडाउन करने के लिए। और टाइमिंग देखो यार 10 सेकेंड है और
हमारे पास ट्रूप्स भी कम है, पर फिर भी यार आप बस हीलर से क्या कर सकते हो यार। बेसिकली आपके चार हीरोज और हीलर्स क्या कमाल धमाल मचा सकती है आपके अटैकिंग स्ट्रैटेजी में। तो ये काफ़ी कुल थी। मैंने यार बेसिकली सेम अटैक ट्राई की थी, ओके, बेसिकली उसकी 98-99% हुई थी। मैंने कुछ लूंस को वेस्ट कर दिया था, तो मैं आपको वो अटैक दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगी कि यार ये अटैक कितनी पावरफुल होने वाली है। तो मैं ये यहाँ पर एक अटैक की थी, ओके, कहाँ गई भाई, ये रही 99% वाली, ओके, जो काफ़ी कूल थी। यहाँ पर देखो ये बेस्ट टोटली यार मैक्स आउट है टाउनल 13 के ऊपर, और मैंने ये स्टार्ट की सकी। देखो टाउनल की तरफ मैंने यार यहाँ क्वीन को ड्रॉप किया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और जो वार्डन है उसको मैंने बॉटम से उसको मैंने यार राइट साइड में ड्रॉप किया, ताकि ये सिंगल इन्फर्नो देख सकते हो बाकी डिफेंसेस के रेंज के बाहर है। तो यहाँ पर अगर हमारा वार्डन डिप्लॉय होगा तो बेसिकली आसानी से सिंगल इन्फर्नो को टेकडाउन कर देगा, और नहीं भी किया तो बेसिकली यार हमारे पास फ्रीज है तो हम फ्रीज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अटैक को मैं थोड़ा फॉरवर्ड करता हूँ ताकि स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पर अटैक स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखो कहाँ गई है, यहाँ देखो यार बेसिकली मैंने जैसे बताई थी आपको, वार्डन को मैंने राइट में ड्रॉप की और क्वीन को हमारी लेफ्ट में ड्रॉप की, यहाँ पर देखो। तो बेसिकली अटैक काफ़ी अच्छी जा रही है, ओके, मैं इसको थोड़ा 2x में डालता हूँ, फिर आपको देखो अच्छे से यार ये अटैक कितनी पावरफुल है। यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी काम है। यहाँ पर मैंने वॉल ब्रेकर इस्तेमाल किया ताकि वो कंपार्टमेंट ओपन करे क्वीन के लिए। यहाँ पर 3 कंपार्टमेंट ओपन करूँगा मैं वॉल ब्रेकर से, क्योंकि हमारे पास 3 वॉल ब्रेकर है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम रेस इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पर किंग और क्वीन दोनों है। तो यहाँ पर एक और कंपार्टमेंट ओपन हो चुकी है और 3rd कंपार्टमेंट बची हुई है, उसे भी हम जल्द ओपन कर देंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 3rd डिपार्टमेंट भी ओपन करूँगा काफ़ी जल्द, और काफ़ी अच्छे अटैक जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने रॉयल चैंपियन से यहाँ पर थ्रो, मैं आपको 1x से दिखाता हूँ, ओके। तो यहाँ पर देखो यार रॉयल चैंपियन को भी मैंने अपने टॉप से स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर मैंने किंग को ड्रॉप नहीं किया बेसिकली, ओके। यहाँ पर अगर मैं किंग को ड्रॉप करता है बिट टाइम ना, तो ये 100% अटैक होती है। यहाँ पर देखो यार रॉयल चैंपियन भी काफ़ी अच्छी काम कर रही है। मैंने यहाँ पर रेस ड्रॉप किया, सीसी से हमारी जो आइस गोलेम वो निकली, और यहाँ पर मैंने अपने ब्लिम को भेजा ताकि वो टाउन हॉल को टेकडाउन कर सके, क्योंकि टाउन हॉल काफ़ी बॉटम में है और क्वीन को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है निकालने में। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर देखो क्या होने वाली, यहाँ पर रेस ड्रॉप की मैंने ब्लिम के ऊपर ताकि आसानी से डाउन कर सके। यहाँ पर एक मंडली इन्फर्नो, तो उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पर ड्रॉप की, लून पर लून जा चुकी है, पर फिर भी यार अटैक काफ़ी अच्छी जा रही है। यहाँ पर देखो वार्डन ये सिंगल इन्फर्नो को टेक डाउन कर दिया, और बची क्या है भाई, बची क्या है वो बताओ। यहाँ पर देखो यार किंग को मैंने ड्रॉप की बॉटम में थोड़ी लेट करके, और यहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स बची हुई है। यहाँ पर देखते गोल्ड माइन इलेक्ट्रिक करेक्टर वो हमारी आसानी से क्लियर होता है, क्योंकि हमारे पास मिनियंस आर्चर्स विजर्ड्स काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर देखो मैंने डिप्लॉयमेंट कर दी स्टार्ट। यहाँ पर देखो येटी माइट्स भी यहाँ पर निकल के वो ओके एक्सबो को ख़त्म नहीं की, पर फिर भी ये अटैक को मैंने 2x करता हूँ। ये देखो यार किंग की एबिलिटी, क्वीन की एबिलिटी काफ़ी बची हुई है, हमारे पास हीलर्स भी है, और वार्डन काफ़ी अच्छी काम कर रही है काफ़ी रेंज के ऊपर। हमारे पास फ्रीज स्पेल है, उससे हमने अपना एक्सबो को फ्रीज कर दिया। यहाँ पर देखो भाई ये देखो तो मैं आपको 1x में दिखाता हूँ, ओके। यहाँ पर तो यार बेसिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम थी यार, अगर मैंने लून्स को रोक देता लास्ट में ना, तो लास्ट में ये काफ़ी अच्छी काम करती है। यहाँ पर देखो क्वीन जा चुकी है, लेकिन हमारी वार्डन है बेवकूफ बहुत नहीं है। देखो यार ये भी वॉल में फोड़ रही है यार, ये इसी में प्रॉब्लम हो गई भाई, नहीं तो पक्का यार 3-स्टार थी। यहाँ पर देखो यार सिंगल इन्फर ये मल्टी इन्फर्नो की वजह से मेरी अटैक खराब गई, तो काफ़ी अच्छी अटैक गई। तो आपको बताओ यार आपको ये अटैक कैसे लगी, ये अटैक जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ यार, ये अटैक जरूर ट्राई करना, काफ़ी क्लियर अटैक है, ओके, मुझे काफ़ी पसंद आई। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस आउट।